माइनक्राफ्ट जावा एडिशन जिसे खेलने के लिए तुम लोग तरस रहे हो क्योंकि उसमें बहुत ढेर सारे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। बट डोंट वरी क्योंकि मैं लाया हूँ तुम लोगों के लिए टॉप 5 गेम्स लाइक एमसीजेई जिसमें 2-3 गेम तो उससे भी बढ़िया है और सभी गेम्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाय द वे जो पहला गेम उसका नाम है सर्वाइवल क्राफ्ट 2 Day 1। डाउनलोडिंग के टाइम तो गेम बढ़िया दिख रहा था, चलो देखते हैं कैसा है ये अंदर से। और इसकी होम स्क्रीन तो थोड़ी डिफरेंट है बट यहाँ पर हम लोग क्रिएटिव सर्वाइवल और चैलेंजिंग मोड खेल सकते हैं। तो अभी फिलहाल हम लोग सर्वाइवल खेलेंगे और नेक्स्ट ऑप्शन है सेटअप प्लेयर्स का। ओके यहाँ पर ऐड अनदर ऑप्शन यानी कि इससे हमारी थोड़ी स्क्रीन बदल सकती है शायद। और यहाँ पर देखो हम लोग कैरेक्टर का नाम भी बदल सकते हैं। व्हाट यहाँ पर 3 स्क्रीन कैसे ओपन हो गई? अच्छा तो अब समझ में आया मेरे को, जो मैंने ऐड अनदर पर क्लिक किया था 2 बार उससे हुआ ये कि यहाँ पर 2 स्क्रीन और ऐड हो गई यानी कि 2 बंदे और ऐड हो गए यहाँ पर। और अब एक स्क्रीन में ही मैं 3 बंदों को कंट्रोल कर सकता हूँ जो कि कोई बुरी बात नहीं। यहाँ देखो इसमें मैं चल रहा हूँ, बाकी दोनों स्क्रीन में मैं यहाँ देखो खड़ा हूँ, इसको मैं मूव कर रहा हूँ, यहाँ पर देखो ये बंदा खड़ा है आराम से। इसमें देखो मैंने इधर उधर हिल रहा हूँ, देखो वो हिल रहा है तीसरी स्क्रीन में। चीज तो बढ़िया है, सिनेमेटिक एनिमेटिक शूट करने के लिए बढ़िया है गेम। चलो इसको क्विट ही कर देते हैं, अब अपना अकेले खेलते हैं एक बार। ओ भाई साहब यहाँ पर तो थोड़ा सा सिनेमेटिक भी चल रहा है। तो ये नाव आई है हमारे को छोड़ने के लिए, यहाँ पर देखो हम अकेले बचे यहाँ पर और हमें छोड़ के नाव जा रही है। तो कुछ भी करके हमें सर्वाइव करना पड़ेगा कुछ ना भी कुछ करके। और यहाँ पर देखो हमें प्यास भी लगती है, खाना भी खाओ प्यास भी रखो। चलो ये अच्छा हुआ कि मुझे एक मछली मिल गई पहले से ही फ्री में, वो एक बार में हम लोग ग्रास को तोड़ सकते हैं इसमें। नॉइस बाकी सेटिंग में देखें क्या क्या है। ग्राफिक्स ओके इसको फुल कर देता हूँ और परफॉर्मेंस यहाँ पर भी सब कुछ फुल कर देता हूँ एकदम हाई हाई। बट ये नीचे क्या लाल लाल चलने लगा? अब मैं भी ये वो बता रहा मतलब गर्मी है या फिर ठंडी साइज से, बट मैं पानी में आया यहाँ पर ठंडा नहीं दिख रहा होगा कुछ पता नहीं। बट ये बात तो यहाँ पर देखो स्काई कितने मस्त लग रहा है यहाँ पर। और यहाँ से हम लोग अपना थर्ड पर्सन भी कर सकते हैं जो कि बढ़िया लग रहा है एकदम स्मूथ चल रहा है मक्खन की तरह। बाकी इससे क्राउचिंग होती है। ओके गेम तो बढ़िया लग रहा है देखो अभी समझ रहा हूँ ना धीरे धीरे। और ये मैंने एक बार और क्लिक किया इस पर और ये देखो क्या हो गया, मतलब एक बंदा ये बंदा हमारा खड़ा रहेगा थोड़ा भी हिले डुलेगा नहीं। लेकिन इसका हम लोग सिनेमेटिक ले सकते हैं थंबनेल बनाने के लिए या फिर कोई भी और काम हो। इस तो बढ़िया एक बार और देखो मैंने आई पर क्लिक किया है और अब देखो हमारी स्क्रीन एक जगह पर स्टक हो चुकी है और अपना बंदा इधर उधर भटक रहा है जो कि सिनेमेटिक के लिए बहुत बढ़िया चीज है। और एक बार और क्लिक किया तो फर्स्ट पर्सन में दोबारा आ गया मैं। और ये देखो गेम का साइज 30 MB भी नहीं है और यहाँ पर देखो चिड़िया सब कुछ है इसमें, ये तो पावर एडिशन से भी बढ़िया निकला। बाय द वे ये जो लाल लाल चल रही है वो तो बेकार चल रहा है अभी, इसको ऑफ कर देता हूँ मैं यहाँ से शायद इससे। हाँ ये हुआ कुछ भी कहो गेम एक नंबर का है। थोड़ा सा और इसे एक्सप्लोर कर ले उसके बाद दूसरा गेम खेलेंगे हम लोग। बता रहे ये वाला गेम कुछ ज्यादा ही पसंद आया। ये देखो एक बार क्लिक किया इतनी स्मूथली कैरेक्टर का पर्सन चेंज होता है। ये वाला देखो फिक्स कैमरा है अपना आराम से चल रहा बंदा इधर उधर। और जो सामने घोड़ा चल रहा है साइड से, हाँ घोड़ा ही है। और हाथ तो देखो एकदम ब्लॉकी नहीं है मतलब थोड़ा स्मूथ कायदे का, सब कुछ ब्लॉकी ब्लॉकी नहीं है। ये घोड़े को भी देखो ये भी थोड़ा ब्लॉकी नहीं एकदम रियल लग रहा है घोड़ा। ये तो बैठाया नहीं इसके ऊपर बैठ जाते हैं और बैठने के बाद भी बंदा बढ़िया लग रहा है ना। चलो ये गेम बहुत हो गया, अब दूसरा गेम खेलते हैं जो कि है लोकी क्राफ्ट एक्स। अब इसकी होम स्क्रीन तो लगभग पॉकेट एडिशन की तरह ही है और लो पल भर में एड्स भी आ गया। बढ़िया यार गेम देखो यहाँ पर भी ये वाला भी आया बोलना क्या चाह रहा है। यहाँ पर देखो ये वाला भी बटन आ गया नया वाला। ओके अपना वर्ल्ड क्रिएट होने लगा यहाँ पे। हाँ ये तो हमें पेड़ पे स्पॉन कर दिया गया। लुक देखो वैसे भी कहा जाए तो बढ़िया है इसका लुक, आसमान उसमान सब कुछ एकदम बढ़िया लग रहा है अभी। और ये क्या सर्वाइवल में हूँ मैं, पहले क्रिएटिव कर लिया जाए ताकि ब्लॉक व्लॉक मिल जाए कुछ। सारे की चीजें तो वही है सेम टू सेम, बट इसका टेक्सचर थोड़ा डिफरेंट टाइप है इसलिए थोड़ा वहाँ पर भी हम लोग हो जाए नेदर में और एंड में। और उसके लिए सारा सामान ले लेता हूँ मैं। वाह यार फिर से ऐड आ गया। नाइट विजन का पोर्शन भी ले लेते हैं क्योंकि एंड में तो अंधेरा होता है। और पहले जाएंगे हम लोग नेदर में ही, कहां से वहां से तो हम लोग एंड में जा सकते हैं आराम से। और ये बन गया अपना नेदर पोर्टल। वाह ये तो आते ही जल गया मैं, यही होता अगर सर्वाइवल में होता तुरंत मर जाता, कहां से आते ही जल गया। बट यहाँ पर टेक्सचर में थोड़ा भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन एक बात थोड़ा सा भी लैग नहीं कर रहा गेम, एकदम मखन कितना चल रहा है ये भी। और अब यहाँ पर बना लेते हैं अपना एंड पोर्टल। इतनी जल्दी से कैसे लोड हो गया? जो अपना पॉकेट एडिशन है उसमें इतनी जल्दी से लोड नहीं होता। बुक्स एंड में आ गए हम लोग नेदर से और बुक्स एंड भी आ गया। देखो मैं डॉट ऑफ कर दूं लेकिन गेम चल ही नहीं रहा था बिना डॉट ऑन किए, इसलिए मजबूरन करना पड़ा ऑन। बाद में ड्रैगन देखो अपना आराम से उड़ रहा बेचारा, लग गया। तो एक चीज और ट्राई कर लेते हैं, क्या यहाँ पर कमांड चलती है? ये तो स्पीड रन हो गया हमारा। और यहाँ पर देखो इसमें रिसोर्स पैक और मोड यानी कि मोड्स लगते हैं इसमें, जो पॉवर एडिशन वाला मोड्स होता सारा तुम यहाँ पर लगा सकते हो। अब मैं भी यूज करें या ना करें आई डोंट नो। इसीलिए हम नेक्स्ट गेम की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है रियल एम क्राफ्ट। और ये कहा है कहा पर रियलिस्टिक भैया, इसका हाथ देखो एकदम सुगड़ा हुआ है सुगड़ा मैन। और कूदने का स्टाइल देखो कैसा कूद रहा, लेकिन गाय का टेक्सचर देखो एकदम रियलिस्टिक लग रहा है। यहाँ व्हाट हाईली आइटम, क्या बवाल चीज है। एंडरपल एकदम हाइपर रियलिस्टिक लग रही, बस अगर इसमें एनिमेशन होता एकदम आउट भी हाइपर रियलिस्टिक लग
सकती। बाद में दिखाने के लिए कुछ आइटम ले लेता हूँ, ट्राइडेंट हो गया, वो हो गया और कुछ। अच्छा तो यहाँ से हम लोग अपना आइटम खुद का क्रिएट कर सकते हैं, सही बात है। पेंटिंग मैंने सोचा कुछ इसमें नहीं होगी, लेकिन वही नॉर्मल पेंटिंग है इसमें भी। और यहाँ से तो हम लोग अपना ब्लू प्रिंट बना सकते हैं, अगर कोई भी बिल्डिंग का ब्लू प्रिंट हो लाकर यहाँ पर पेस्ट कर दो। अभी तो कोई है नहीं मेरे पास, और अगर मैं यहाँ पर डॉट ऑन किया होता तो वहाँ पर ऑलरेडी आ जाता, बट मैंने ऑफ कर रखा है। और यहाँ से हम लोग अच्छा वीदर को ला सकते हैं, मतलब बारिश करा सकते हैं, और का है तो इसके लिए हमें हाथ में कोई ब्लॉक लेना पड़ेगा, जैसे कि पल प्लेस नहीं होती। वो भाई साहब क्या बवाल चीज है यार ये, बस एक क्लिक में अपना घर बना लो इसका यूज करके। और इसकी बोर्ड देखो गाइस क्या मस्त लग रही है, रियल लाइफ वाली बोर्ड फेल है इसके सामने। और ये पता नहीं क्या चीज है, लेकिन ये देखो गाइस मैप अपना 3D एकदम, गूगल मैप यूज कर लो इसकी जगह। और ट्राइडेंट तो एकदम वही नॉर्मल है, बस फेंकने का स्टडी का थोड़ा कैजुअल है। और इसका टेक्सचर देखो गाइस, टेक्सचर में देखो एकदम तबाही है। थोड़ा मॉब भी देख ले क्या क्या जानवर है, ये रहा ग्लो स्क्विड, बफर फिश, व्हाट द हेल, इसमें चील भी है, और ये शायद एक आंख वाले स्लाइम है। ओके तो अपना नेक्स्ट गेम खेलते हैं, जिसका नाम है मल्टीक्राफ्ट, जिसका इंटरफेस देखने में तो बढ़िया लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंगल प्लेयर भी खेल सकते हैं, ज्वाइन गेम भी कर सकते हैं कोई सी क्या, या फिर कोई सर्वर भी होस्ट कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग। और पहले से हमारे पास 4-5 वर्ल्ड बना के दिया इसने, एकदम सही बात। बट यहाँ पर भी हमें डॉट ऑन करना पड़ेगा, कर लेते हैं, 1-2 ऐड आ जाएगा, क्या बात है। एक कवाई का डाउनलोड हो रहा है इसमें, हो गया कवाई, पता था मुझे कि यहाँ पर गुलाबी कुछ होने वाला है जरूर, और पूरा का पूरा गेम गुलाबी निकला। बट ये ठीक है, इसमें हम लोग अपना कैमरा एंगल चेंज कर सकते हैं आराम से, कमांड तो इसमें यूज नहीं होती, लेकिन छोटा मैप है इसमें, ये बढ़िया चीज है। और ब्लॉक भी बहुत ढेर सारे इसमें, बस ये कवाई मोड ओपन हो गया है, अगर दूसरा ओपन होता तो बढ़िया भी लगता। वो भाई साहब इसमें कितने ढेर सोफा ओफा सब कुछ है, पर्दा सोफा किसी चीज की कमी नहीं है इसमें। और ये कोई घोस्ट है, घास्ट का घोस्ट बना दिया लोगों ने, वाह वाह, तो सूरज है, सूरज का मोए मोए कर दिया लोगों ने। और इसमें देखो हम लोग अपना पोशन रख सकते हैं, बाकी यहाँ पर ऐड आ गया तो हम लोग इसे कट कर देते हैं। और अब अपना लास्ट गेम है, जिसका नाम है ब्लॉक क्राफ्ट 3D, और इसको प्ले करते सिनेमेटिक चालू हो गया, जो कि किसी सिटी का व्यू दिखा रहा है, बट देखने में बहुत बढ़िया है। और अभी ये लोग हमें गेम खेलना सिखा रहे हैं, वाह क्या बात है। और हमें देखो हम लोग गेम को ट्राई कर रहे हैं खेल खेल के, अरे चलो जान गए किसे जंप करना है, बस खुश। ओके तो यहाँ पर ट्यूटोरियल चालू खत्म हो चुका, और यहाँ पर है स्टार्ट योर रूलेट। ओ भाई साहब बादल आ गए, यहाँ पर ट्रांसिजन आएगा शायद कोई, और एड भी आ गया, वाह लोग कर तो गया। यहाँ पर हम लोग ब्लॉक प्लेस कर सकते हैं, और ये बन गया अपना वेल, वाओ। और ये साथ छोटा सा घर है अपना हट, नाउ लेट्स फिनिश दैट हट, हट हट नहीं, हट भी कम्प्लीट हो गया। अच्छा ओ तो यहाँ पर हमारे सारे बिल्ड है, जिससे हम लोग बिल्ड कर सकते हैं, बिल्ड को बिल्ड करना है, और जो कि पहले से ही बिल्ड हुआ है, नाइस। ओके तो यहाँ पर मैंने 3-4 घर बना दिए हैं, जो कि बहुत बढ़िया लग रहा है। और इसे भी थोड़ा फिनिश कर देते हैं, और अपना थोड़ा छोटा सा विलेज बन जाएगा, ये लग गया। और ये बस एकदम रेडी हो गया, अपना क्वाइन भी मिल गया है। यहाँ पर फ्लाई वाला बटन नहीं है, अच्छा रेटिंग मांग रहे लोग, रुक जाओ थोड़ा सा, रुक जाओ अभी दे देंगे रेटिंग, पहले ये फ्लाई वाला मोड गेट इट कर लेते हैं, हम पे तो है यू नो। अगर आप लोग अभी इन सारे गेम्स को खेलने हैं तो डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पर लिंक मिल जाएगी। और अगर इसका पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पर 500 लाइक्स करा देना, लाइक एम पूरा होते ही पार्ट 2 आ जाएगा। बाद अगर आप लोग ये वाली वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बाद में मैं चला नेक्स्ट वीडियो की तैयारी में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, लव यू।